दिल्ली जल बोर्ड ने बहुत बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो मेरी समझ से दिल्ली में पानी के सेक्टर में और सीवर के सेक्टर में बहुत बड़ा रिफॉर्म साबित होंगे। अभी तक क्या होता था कि हम किसी भी इलाके में नई पानी की पाइपलाइन लगाते थे, नई सीवर की पाइपलाइन डालते थे और वहाँ पे लोग पानी का कनेक्शन नहीं लेते थे, जबकि जब तक हम पानी की पाइपलाइन डालते हैं तब तक लोग आके हमारे पास डिमांड करते हैं, जी हमारे एरिया में पानी की पाइपलाइन नहीं है, टैंकर से पानी आता है, पाइपलाइन डाल दीजिए, जल्दी पाइपलाइन डाल दीजिए, पानी नहीं आता। और जब पाइपलाइन डाल दी जाए तो लोग कनेक्शन नहीं लेते हैं। कनेक्शन ना लेने का सबसे बड़ा कारण ये होता था कि जो डेवलपमेंट चार्जेस थे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस थे वो इतने ज़्यादा थे कि उसको भर पाने में बहुत सारे लोग असक्षम थे, भरना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से पानी की पाइपलाइन डलने के बाद लोग उसमें इल्लीगल तरीके से कनेक्शन डाल लेते थे, पानी इस्तेमाल करते थे लेकिन पानी का फॉर्मल कनेक्शन नहीं लेते थे। इसकी वजह से जब आप देखेंगे तो दिल्ली उन शहरों में आता है जो जहाँ पे हमारा NRW अनअकाउंटेड वाटर ये बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि लोग कनेक्शन नहीं लेते, पानी की पाइपलाइन हमने डाल दी और उसके अंदर डंडी मार के और वो पानी इस्तेमाल करते हैं। जब हमारी सरकार बनी थी तो पहले 500 रुपये मीटर के हिसाब से डेवलपमेंट चार्ज लिए जाते थे, उसको हमने घटा के 100 रुपये मीटर किया, लेकिन हमने अब रियलाइज़ किया है कि 100 रुपये मीटर के बावजूद भी बहुत ज़्यादा चार्जेस बन रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो अगर किसी का 200 मीटर का प्लॉट है तो आज की डेट में उसको 114,110 रुपये देने पड़ते हैं पानी और सीवर का कनेक्शन लेने के लिए। 114,110 रुपये देने पड़ते हैं पानी और सीवर के कनेक्शन के लिए। अगर किसी का 300 मीटर का प्लॉट है तो आज की डेट में उसको 124,110 रुपये देने पड़ते हैं पानी और सीवर का नया कनेक्शन लेने के लिए। 300 मीटर के प्लॉट के लिए 124,110 रुपये, अब ये बहुत ज़्यादा है। कोई भी 200 मीटर में 300 मीटर में रफली आप मान के चलो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, इतना लगभग 125,000 रुपये किसी के लिए भी पानी सीवर के नए कनेक्शन के लिए दे पाना असंभव है। तो आज बोर्ड ने निर्णय लिया है कि लोगों से अब डेवलपमेंट चार्जेस और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अब सरकार इन्वेस्ट करती रही है और करती रहेगी। नई पाइपलाइन लगानी है, नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हैं दिल्ली के अंदर, नए पंपिंग स्टेशंस लगाने हैं, जितना भी है इस पे सरकारें इन्वेस्ट करती रही हैं। और एक अच्छा शहर बनाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है, हम आपसे टैक्स लेते हैं, उस टैक्स के पैसे से हम इंफ्रास्ट्रक्चर आपका क्रिएट करेंगे, उसकी रिकवरी जो है इसके ज़रिए हम नहीं करेंगे। तो आज से डेवलपमेंट चार्ज और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस पानी और सीवर के लिए बंद किए जाते हैं। और अब अगर किसी को पानी और सीवर का नया कनेक्शन लेना होगा तो उसे मात्र 2,310 रुपये देने पड़ेंगे। पहले जो 114,110 रुपये देने पड़ते थे 200 मीटर के कनेक्शन के लिए, वो अब केवल 2,310 रुपये देने पड़ेंगे। कितना भी 300 मीटर के प्लॉट के लिए पहले 124,110 देने पड़ते थे, अब केवल 2,310 रुपये देने पड़ेंगे। इससे मुझे लगता है कि जितने हमारे एरियाज ऐसे हैं जहां हमने पानी की पाइपलाइन डाल दी है, जहां हमने सीवर की पाइपलाइन डाल दी है, वहां पे बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोग पानी और सीवर के कनेक्शन लेंगे। और ये सब लोग नेटवर्क के अंदर आएंगे, जिससे जो अनअकाउंटेड वाटर है, जो नॉन रेवेन्यू वाटर जिसको बोलते हैं, वो बहुत बड़े स्तर पे कम होगा, वो सब हमारे मेन स्ट्रीम के अंदर आएंगे और इससे पूरा सिस्टम जो है वो सुधरेगा। इसके ऊपर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। देखिए, मैं पानी के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहता। इनमें से किसी को भी दिल्ली के पानी से कोई सरोकार नहीं है, केवल पानी को लेके गंदी राजनीति की जा रही है। मेरा आप लोगों के माध्यम से एक ही निवेदन है, अगर कहीं गंदा पानी आ रहा है आप हमें बताइए, हम ठीक करा देंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव दिल्ली के लोगों को साफ सुथरा पानी पहुँचाने का है। ये तू तू मैं और राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है।
जब हमारी सरकार बनी थी 2300 से ज्यादा ऐसे इलाके थे जहां पे गंदा पानी आया करता था। आज 125 से कम इलाके बच गए हैं दिल्ली में जहां पे अभी गंदे पानी की शिकायत है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमने 2300 से घटा के 125 पे ले आए हैं। इतने सारे इलाकों के अंदर मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे संत नगर है, संत नगर में पानी की पाइपलाइन बदली हम लोगों ने 2018 में। वहां पे पहले पानी की, गंदे पानी की शिकायत थी, अब नहीं है। कमलपुर है बुराड़ी में, वहां पे पानी, गंदे पानी की शिकायत थी, हमने 2019 में पानी की पाइपलाइन बदली, अब वहां पे गंदे पानी की शिकायत नहीं है। महावीर विहार है पालम में, वहां पे सीवर के साथ पानी मिक्स होके आता था, हमने अभी जुलाई 2019 में पानी की पाइपलाइन, सीवर की पाइपलाइन बदली है, अब वहां पे गंदे पानी की शिकायत नहीं है। करावल नगर में डी ब्लॉक खजूरी है, वहां पे हमने 2018 में पानी की पाइपलाइन बदली थी, पहले गंदे पानी की शिकायत थी, अब नहीं है। इसी तरह से मैं आपको अभी जैसे 15 एग्जांपल दे सकता हूं। ऐसे कई 100 कॉलोनीज हैं, मैंने आपको बताया 2300 से ज्यादा कॉलोनीज थी जहां गंदे पानी की शिकायत थी। लेकिन अभी कुछ एरियाज हैं, हम खुद मानते हैं 70 साल की समस्या थी, 70 साल के अंदर इस सिस्टम को खराब किया गया था। 70 साल का खराब सिस्टम केवल 5 साल के अंदर तो ठीक नहीं हो सकता। जैसे धूमवती वाली गली है पालम गांव में, वहां अभी भी गंदे पानी की शिकायत है, वहां हम पानी की पाइपलाइन बदल रहे हैं, दिसंबर के महीने तक बदल जाएगी, उसके बाद वहां पे गंदा पानी आना बंद हो जाएगा। दीपक विहार है विकासपुरी में, वहां गंदे पानी की शिकायत अभी भी है, वहां पानी की पाइपलाइन बदल रहे हैं, वो भी दिसंबर तक बदल जाएगी, उसके बाद गंदा पानी आना बंद हो जाएगा। K5 ब्लॉक विकासपुरी है विकासपुरी में, वहां भी गंदे पानी की शिकायत है, जनवरी के महीने तक वहां पे पानी की पाइपलाइन बदल जाएगी, वहां गंदा पानी आना बंद हो जाएगा। पटपड़गंज में मंडावली गांव है, वहां पे पानी की, गंदे पानी की शिकायत है, वहां सीवर और पानी दोनों की पाइपलाइन बदल रहे हैं, वहां दिसंबर तक पाइपलाइन बदल जाएगी, वहां भी गंदा पानी आना बंद हो जाएगा। तो जो बची हुई कॉलोनियां हैं जहां गंदा पानी आता है, वहां पे सरकार लगी हुई है और बदल रही है। फिर भी अगर कोई ऐसी कॉलोनी है जहां पे किसी को भी गंदे पानी की शिकायत है, आप आके हमें बताइए, हम उसको ठीक कराएंगे, इस पर राजनीति बंद कर देते हैं। दिल्ली और NCR के सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए ASG News और चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े ASG News नेटवर्क के साथ।